जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जो आप देख रहे हैं शिक्षा की खबर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि CITS का रिजल्ट कब आएगा, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि CTI से संबंधित, ITI से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मिस न होने पाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। तो आप जो कि बेल दबा कर और नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ इन्फॉर्मेशन CITS से रिलेटेड, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलने पाए। देखिए, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर CITS का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैंने पहले बताया था अगले महीने में कि 18 और 19 तारीख को CITS का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो है कि मैंने बात भी किया था, तो उन्होंने जो सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, क्योंकि उस नंबर से मैंने ईमेल भी किया था जो कि नीमी के ऑनलाइन पे, और जो कि कॉल भी कर रहा हूँ, तो उस समय कॉल लगा था बीच में, जो है कि 15 तारीख के आसपास में जो कि कॉल लगा था। तो मैंने सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि 18 तारीख को जो कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो है कि फेक वीडियो बनाया था, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, फिर बताइए सर कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने जो है कि ये पूछे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो यही आज की इस वीडियो में हमें आंसर देंगे कि रिजल्ट किस तारीख को आएगा, और डेट जो है कि जारी हो चुका है, इतने दिन में आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक जो है कि प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि CITS का रिजल्ट जो है कि आने का जो कि डेट जो है कि जारी हो चुका है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कमेंट के बारे में लेके बात करूंगा। जो CITS का जो मैं वीडियो बनाया था, काफ़ी बच्चों ने जो कि फेक वीडियो और जो बहुत अनाप शनाप लोग बोले थे, मगर अगर आप एक शिक्षक अगर हैं, अगर आप जो कि एक शिक्षक परिवार के हैं, अगर आप एक अच्छे माँ बाप के संस्कार में पले हैं, तो आप जो है कि कमेंट करते हैं ना, तो आप सोच समझ के कमेंट करिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको कमेंट कैसा करना है आप खुद सोच सकते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो है कि कमेंट किया है, जो कि बहुत अनाप शनाप जो है कि कमेंट में जो कि रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो मैं उनका स्क्रीनशॉट करके रख चुका हूं, और जो है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो है कि जो भी कमेंट कीजिए, आपने जो है कि भविष्य के उज्जवल के जो है कि बारे में सोचिए, क्योंकि आप किसी को अगर कुछ कह देते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बट आपका जो है कि उतने में ही आपका सब कुछ कैरेक्टर पहचान लिया जाता है, ठीक है। तो छोड़िए कमेंट के बारे में, हम बाद में बात करेंगे, आज हम जानेंगे CITS का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने कानपुर NSTI जो है कि बात किया सर से, तो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि देखिए सर, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपने बताए थे, तो इस इन्फॉर्मेशन के सटीक रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि जो कुछ मेंटेनेंस जो है कि कुछ गड़बड़ी होने के कारण, कुछ मेंटेनेंस की वजह से जो कि नहीं आ पाया, तो अब मेंटेनेंस हो चुका है, जो कि रिजल्ट आएगा। देखिए, साइड पर भी जो कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। तो देखिए, अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए, तभी आप जान पाएंगे कि CITS का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं आपको पहला प्रूफ दिखा रहा हूँ। जैसे सिंपली से आप जाएंगे, देखिए जैसे आप अपने गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली से सर्च बार में सर्च करना है CITS रिजल्ट 2020 कब आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे सर्च करेंगे, आपके पास देखिए एक ऐसा पेज खुल कर आएगा। देखिए, मैं आपको इसी में जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि CITS का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए एंड तक, अभी जो मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है गाइस, आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। देखिए देखिए, जब आप जो है कि जब CTI जो कि रिजल्ट 2020 आप ऐसे सर्च करेंगे गूगल ड्राइव में, तो आपको जो पहला पेज खुल कर आ रहा ना, CITS CTI रिजल्ट 2020, ठीक है, 20 और 21, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे पहले पे ही, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, जब आप उस पर जो है कि उस जो पहला ऑप्शन पे जब आप टच करेंगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। देखिए, जो कि मेरा इंटरफेस खुल गया, तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। देखिए, जैसे आप नीचे जाएंगे ना, तो आपके पास एक देखिए आपके पास एक ऐसा पेज आएगा। देखिए, ये देखिए आपके पास एक ऐसा जो कि पेज आएगा। देखिए, यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है CTI रिजल्ट की महत्वपूर्ण तारीख, देखिए यहाँ पे इसमें जो है कि पूरा बायो डाटा लिखा होगा, ठीक है। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था, 18 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखिए 3 वीक के बारे में मैंने बात किया था, ठीक है। तो 3 वीक देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो है कि अपडेट कर दिया गया, तो यानी कन्फर्म है कि रिजल्ट जो है कि इस महीने में आएगा ज़रूर, जिस महीने में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर
सीटीआई रिजल्ट की महत्वपूर्ण तारीख। देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो कि 15 जून को जो है कि इसका आवेदन हुआ था, ठीक है। मैं शॉर्टकट में थोड़ा जल्द फास्ट में बता रहा हूँ। ऑनलाइन इसका जो कि अंतिम तिथि थी 27 जून, ठीक है। इसका जो मॉक टेस्ट था जो कि 13 जुलाई था 18 जुलाई तक, ठीक है। होल टिकट जो कि 13 से 18 के बीच में भी था। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे तो देखिए एग्ज़ाम जो 16-17 को हुआ था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे कि सीटीआई का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे जो है कि 3 वीक जो था ना, यहाँ जो 3 वीक शो कर रहा था इस जगह पे, अंडरलाइन में कर रहा हूँ, यहाँ 3 वीक शो कर रहा था। तो आप लोग यहाँ देखिए प्रारंभ वेबसाइट में जारी, देखिए जल्द आ रहा है, ठीक है। यानी जो कि इस जगह परिवर्तन कर दिया गया, तो ये कन्फर्म है कि अगले महीने में जो सर ने एनएसटीआई जब मैंने कानपुर जो कॉल किया था तो उन्होंने कहा है कि एक से पाँच तारीख तक वेट कीजिए, 1 से 5 तारीख के बीच में जो है कि आपका रिजल्ट सीटीआई का कंफर्म है कि आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सीटीआई का रिजल्ट जैसे ही या एक छोटी से वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाए कि जो सीटीआई का रिजल्ट आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।